मध्य प्रदेश की दतिया तहसील इंदरगढ़ इलाके के ग्राम लक्ष्मणपुरा में अज्ञात चोरों ने इलाके के बड़े किसान नरेश यादव के घर से लगभग 1 करोड़ रुपए की चोरी की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया था। चोरों ने पुश्तैनी तिजोरी को उठाया और अपने साथ ले गए थे। तिजोरी में नगद लगभग लाखों रुपए अथवा सोने चांदी के जेवरात भरी मात्रा में रखे हुए थे। पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर ने सनसनीखेज चोरी की वारदात को चुनौती के रूप में लिया था। चोरों को हिरासत में लेने के लिए पुलिस की एक विशेष टीम गठित की गई थी। दतिया पुलिस टीम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य के अलावा 2 SDOP और 23 दरोगा शामिल थे। घटना के 3 दिन बाद दतिया पुलिस ने थाना इंदरगढ़ इलाके के ग्राम लक्ष्मणपुरा में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों की पहचान कर ली थी। आरोपी उत्तर प्रदेश इलाके के जिला महोबा के ग्राम मकरबई निवासी होना पाए गए। लक्ष्मणपुरा गाँव पड़ता है, वहाँ दिनांक 4 और 5 की दरमियानी रात को एक बड़ी नकबजने की घटना हुई थी। एक परिवार वहाँ रहता है, यादव परिवार, नरेंद्र फरियादी नरेंद्र यादव थे इसमें। उनका सोने चांदी की एक तिजोरी ले गए थे, उसमें 5 लाख लगभग कैश भी था और काफ़ी उनके पुश्तैनी जेवर भी थे। घटना काफ़ी गंभीर थी, उसके तत्काल बाद हम लोग स्पॉट पे पहुँचे और जो हमारे सारे ऑफिसर्स थे जिले के, उनको हमने उसमें लगभग लगा दिया। 2 हमारे SDOP इसमें लगे थे, एडिशनल SP साहब लगे थे। बहुत सारे फुटेज कलेक्ट कराए गए और तकनीकी अन्य साक्ष्य जो रहते हैं उनका विश्लेषण किया गया। उसके उपरांत 3-4 दिन में हम उस निष्कर्ष पर पहुंच गए थे कि घटना कारित किन्होंने की है। तो इनमें जो आरोपी थे उनको चिन्हित कर लिया गया था, लेकिन थोड़ी सी विवेचना की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए हमने ओपन नहीं किया था। उसके बाद में हमारी टीम्स उसकी दबिश में लगी हुई थी अलग अलग स्थानों की। महोबा एक जिला पड़ता है, वहाँ मकरबई गाँव के ये आरोपी चिन्हित हुए थे। वहाँ झांसी, जालौन, अन्य जिलों की टीमें भी आई हुई थी, क्योंकि ये लड़के हैं ये बहुत सारे जिलों में वारदात करके भागे थे। हम भी साथ साथ प्रयास कर रहे थे, अन्य जिलों के पुलिस से भी समन्वय में स्थापित किए हुए थे, वो लोग भी काफ़ी सहयोग कर रहे थे। इसी बीच में झांसी पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नरेंद्र पाल गयापाल है और एक छोटे लाल है। इन लोगों ने दतिया की घटना को भी स्वीकार किया है। हमारी टीम भी उनसे पूछताछ करने गई थी और अभी शीघ्र ही हम उसको पुलिस रिमांड पर वहाँ से माननीय न्यायालय की अनुमति लेके आएंगे। और उसके जो अन्य आरोपी हैं, हालांकि उनको हमने चिन्हित कर लिया है, तो शीघ्र ही इसमें जो मशरूका है, जो सोने चांदी के जेवर गए थे, उम्मीद है कि हम उसको भी दस्तयाब कर लेंगे उसमें। सर, संभाग के जो चदकारी हैं उनके द्वारा कोई इनाम रखा गया था क्या? इसमें 10,000 का इनाम तो मेरे द्वारा ही घोषित था और उसमें जो माननीय IG सर हैं उन्होंने 30,000 का इनाम घोषित कर दिया था। तो जैसे ही हम लोग उनको फॉर्मली गिरफ्तार कर लेंगे, वहाँ से रिमांड पर ले आएंगे, तो फिर जो टीम है जो लगी थी उनको ये इनाम दिया जाएगा।